सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल। माई सेल्फ शुभम अग्रवाल, R&D मेडिकल कॉलेज उदयपुर। सो इन कंटिन्यूएशन ऑफ GIT फार्माकोलॉजी, येस्टरडे वी हैव स्टडीड एंटीएमेटिक ड्रग्स एंड अवर नेक्स्ट टॉपिक, अवर नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी द पेप्टिक अल्सर डिजीज। बिफोर गोइंग टू दैट वीडियो, आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब यू हाउ गैस्ट्रिक एसिड इज सीक्रेटेड इन स्टमक, बेसिक फिजियोलॉजी। इट इज हेल्पफुल फॉर फर्स्ट ईयर एज वेल एज सेकंड ईयर स्टूडेंट्स। सो दिस इज गोइंग टू बी शॉर्ट वीडियो, लो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वी ऑल नो दैट गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन अकर्स इन पैराइटल सेल्स ऑफ स्टमक। पैराइटल सेल्स में गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन होता है। तो सबसे पहले एक पैराइटल सेल बना लेते हैं अपन। तो ये मैं पैराइटल सेल बना रहा हूँ, ये कैनालिक्यूला है इसके, ये पैराइटल सेल बना ली मैंने, ठीक है। एक अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फोर्स जो होता है HCl सिक्रेशन का, वो एक पंप होता है इधर। ये अपन ने पैराइटल सेल बनाया, पैराइटल सेल। ये क्या है? ये ल्यूमन है, और ये क्या है? इंटरस्टीशियल फ्लूइड है, ठीक है, ठीक है। तो पैराइटल सेल में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पंप होता है H+K+ATPS पंप। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फोर्स है। इससे क्या होता है, H+ तो बाहर सिक्रेट हो जाता है और पोटेशियम अंदर आता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं बेसिक। तो अपने सेल में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो CO2 है वो वाटर से कंबाइन करती है, और इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम ये कन्वर्ट होती है H2CO3 कार्बोनिक एसिड में। अब ये कार्बोनिक एसिड ब्रेक डाउन होता है H+ और बाइकार्बोनेट आयन में। ये जो H+ है ये सिक्रीट हो जाता है बाहर, और ये जो बाइकार्बोनेट है, इधर एक चैनल होता है जिससे बाइकार्बोनेट बाहर आता है इन एक्सचेंज विद द क्लोराइड। इस चैनल का नाम है बाइकार्बोनेट क्लोराइड एक्सचेंजर। और ये क्लोराइड जो अंदर आया वो सिक्रीट हो जाता है क्लोराइड चैनल के थ्रू, यहाँ पे क्लोराइड। तो यहाँ पे अपने पास H+ और Cl- HCl सिक्रीशन एसिड सिक्रीशन, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे होता है गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा में और दो नंबर के क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज पोस्ट एल्कलाइन टाइड, व्हाट इज पोस्ट फ्रेंडियल एल्कलाइन टाइड। सो कुछ नहीं है, बेसिक कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया कि बायकार्बोनेट यहाँ सीक्रेट आउट हो गया है बाहर इंटरस्टीशियल फ्लूइड में, तो इससे ब्लड का पीएच बढ़ गया है, एल्कलाइन हो गया ब्लड। तो जैसे ही अपन खाना खाते हैं उसके कुछ देर बाद बोलते हैं कि ब्लड का पीएच बढ़ जाता है, ऐसा क्यों होता है? उसी फिनोमेना को बोलते हैं पोस्ट फ्रेंडियल एल्कलाइन टाइड। सो नाम से नहीं डरे, नाम ऐसा है पर बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ये जो बाई कार्बोनेट है इसकी वजह से ब्लड का पीएच बढ़ गया और पोस्ट प्रेंडियल एल्कलाइन डाइड इसको बोलते हैं। वाइवा का फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो इस वीडियो में हमने देखा कि गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन कैसे हो रहा है। तो अगली वीडियो में हम मिलते हैं बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, पेप्टिक एसिड, पेप्टिक अल्सर डिजीज की फार्माकोलॉजी। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, बाय, थैंक यू।